हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधा आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे क्रिएटिव न्यूटेक लिमिटेड बारे में। तो देखिए, ये शेयर आपका पिछले ट्रेडिंग डे पे आपका क्लोज हुआ था 668 पे, ओके। एंड उस दिन ये शेयर आपका हाई गया था 704.90 पे एंड लो गया था 665 पे। फिनस्टर्न ने इस कंपनी को 4 out of 5 का रेटिंग दिया है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटल है ₹801.60 करोड़ एंड एंटरप्राइज वैल्यू है आपका ₹840.37 करोड़। इस कंपनी के ऊपर टोटल डेप्थ है आपका ₹42.92 करोड़। तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.81। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से कम ही है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आपका है 22.67% एंड ROCE आपका है 22.44%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी का इस साल में आपका सेल्स ग्रोथ हुआ है 12.88% एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है आपका 18.86%। इस कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 66.65%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, एंड यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक अच्छा बात, ये जो आपका 66.65% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। तो फंडामेंटली जितना भी डेटा अभी तक का हम लोगों ने यहाँ पे देखा, सब डेटा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए फिनस्टर्न ने इस कंपनी को 4 out of 5 का रेटिंग दिया है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इस कंपनी का एक बार चार्ट एनालिसिस कर लेंगे, ओके। तो अभी देखिए, मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया, क्योंकि बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोगों को एक क्लियरली समझ में आता है कि कौन सा शेयर आपका अप ट्रेंड में है, कौन सा शेयर आपका डाउन ट्रेंड में। तो देखिए, ये आपका था 2021 जून का महीना, इस टाइम पे इस शेयर का प्राइस चल रहा था लगभग 95-96 के करीब, और अभी कितना चली, देखिए एक साल अभी खत्म नहीं हुआ, एक साल के अंदर मतलब एक साल से भी आपका बहुत कम टाइम में ये शेयर आपका लगभग 6 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और भी चीजों को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग सीधे चले जाएंगे इसका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में, क्योंकि बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में ये हम लोग क्लियरली समझ गए कि ये शेयर अभी अप ट्रेंड में है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस शेयर का इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट भी ओपन कर लिया। ये आपका था 26 अक्टूबर का दिन, यहाँ पे सुपर टेन ने बाय सिग्नल दिया था, लेकिन उसके बाद से ये शेयर आपका कॉन्टिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी देखिए, आज के डेट में ये शेयर जिस प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है वो आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही है। अगर RSI की बात करेंगे तो RSI आपका बहुत दिनों से यहाँ पे आपका 60 के ऊपर का लेवल को मेंटेन करके चल रहा है, जो कि आपका टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और अगर MACD की बात करेंगे तो MACD भी बहुत दिनों से यहाँ पे आपका 0 पॉइंट से ऊपर का जो लेवल है उसको मेंटेन करके चल रहा है, ये भी टेक्निकली बहुत ही अच्छा बात है। उसके ऊपर MACD ज्यादातर आपका यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही फॉर्म करते हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ओवरऑल डेली चार्ट में हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे आपका बुलिश साइन दिख रहा है। चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार वीकली चार्ट में। तो देखिए, अभी मैंने इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका था जून का एक वीक, ठीक है। इस वीक में एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था, 2021 का जून का वीक था, एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में आपका सुपर टेन ने यहाँ पे बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए, ये शेयर कंप्लीटली तेजी में लगातार आपका अप ट्रेंड में है, लगातार यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। एंड लास्ट 2 वीक से देखिए, यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा है। अगर RSI की बात करेंगे तो RSI भी आपका अबव 60, और MACD की बात करेंगे तो MACD 0 पॉइंट से ऊपर है, लगातार क्लियरली यहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल फॉर्म करते हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ओवरऑल वीकली चार्ट में क्लियरली यहाँ पे हम लोगों को बुलिश साइन दिख रहा है। चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार मंथली चार्ट में। तो देखिए, अभी मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस जगह पर, तो ये था आपका 2021 जून का महीना, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ था एंड इस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। एंड तब से देखिए, हर एक महीने में यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल ही ज्यादातर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। एंड लास्ट मतलब अभी जो करंट महीना चल रहा है, इस महीने में हम लोगों को यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अगर RSI की बात करें तो RSI भी आपका अबव 60 है, मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो देखिए, फिनस्टर्न ने इस कंपनी को
फोर आउट ऑफ फाइव का रेटिंग दिया है। उसके ऊपर इसका जो फंडामेंटल डेटा वो भी आपका बहुत सही है। उसके ऊपर डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, तीनों टाइम फ्रेम में ऐसे मुझे बहुत ही बुलिश लग रहा। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 660-670 इसी रेंज में अगर इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 4 से 5 महीने के, तो मुझे जो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने के अंदर ये शेयर आपका 850 का टारगेट भी अचीव कर जाएगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।